आंवला सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है, तो आंवला तो हमें ज़रूर खाना चाहिए। आंवला में विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है, तो उससे हमारी जो इम्यूनिटी पावर है वो बहुत ही अच्छी रहती है। आंवला बालों के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है, तो आंवला तो हमें ज़रूर खाना चाहिए। लेकिन आंवला हमें पूरे साल नहीं मिलता है, खाली ठंडी के मौसम में मिलता है, तो आंवले को भरपूर मात्रा में खा लेना चाहिए या फिर उसे अच्छी मात्रा में स्टोर करके रख देना चाहिए ताकि हम आंवला को साल भर खा सकें। तो चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम आंवले से बनाएंगे इंस्टेंट कैंडी। आंवले से बनने वाली ये कैंडी टेस्ट में बहुत ही अच्छी लगती है। आंवले का टेस्ट सबको पसंद नहीं आता है, खास करके बच्चों को, तो बच्चों के लिए ये कैंडी बहुत ही बढ़िया है, बड़े भी इसे बहुत ही चाव से खाएंगे। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है आंवला, तो यहाँ पे मैंने 1 किलो आंवला लिया है, उसे मैंने पहले से ही स्टीम करके ले लिया है और आंवले के सीड्स निकाल लिए हैं। अगर आपको पता नहीं है कि आंवले को स्टीम कैसे करना है, तो मैंने मेरे चैनल पे आंवले का अचार की रेसिपी शेयर की हुई है, तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हो कि मैंने इसे स्टीम कैसे किया है, और उस वीडियो की लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो वहाँ जाके भी आप देख सकते हो। तो चलिए रेसिपी आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे मैंने आंवलों को मिक्सर जार में डाल के उसे क्रश कर लिया है, उसकी पेस्ट बना दी है। तो यहाँ पे पानी का बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। अगर आपसे ये क्रश नहीं हो रहा है तो आप थोड़ी सी चीनी अंदर ऐड कर सकते हो, लेकिन पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है, क्योंकि पानी डालने से इसे हमें ज्यादा देर तक चलाना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं करेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने सारे आंवलों की पेस्ट बना ली है और इसे एक पैन में ट्रांसफर कर लिया है। यहाँ पे आप नॉनस्टिक पैन का यूज करेंगे तो अच्छा रहेगा, तो पॉसिबल हो तो नॉनस्टिक पैन ले। यहाँ पे मेरे पैन की साइज थोड़ी सी छोटी पड़ गई थी, क्योंकि मैंने 1 किलो आंवला लिया है, तो ये पैन थोड़ा सा छोटा लग रहा था मुझे, तो मैंने इसे बड़े से पैन में ट्रांसफर कर लिया है। इसके अंदर हम चीनी भी ऐड करेंगे, तो इसे चलाने के लिए थोड़ी सी जगह चाहिए। अब मैंने इसके अंदर ऐड किया है नमक, तो यहाँ पे मैंने 1.5 चम्मच नमक लिया है और 1 चम्मच काला नमक लिया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसकी क्वांटिटी कम ज्यादा कर सकते हो। और अब यहाँ पे हमें चाहिए 1 किलो चीनी, तो हमने 1 किलो आंवला लिया है, तो 1 किलो चीनी हमें चाहिए। मैं आपको कप से भी मेजर करके बता देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने टोटल 4 कप जितनी चीनी ली है और 1 कप चीनी मैंने बचा ली है, क्योंकि पीछे से भी हमें चीनी की जरूरत पड़ेगी, और जो मैंने क्रश किया था उसमें भी मैंने थोड़ी सी चीनी ऐड की थी। तो इस तरह यहाँ पे 1 किलो आंवला और 1 किलो चीनी का जो मेजरमेंट हमने लिया है वो अच्छे से सेट हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने गैस की फ्लेम को ऑन कर दिया है और इसे हाई फ्लेम पे हम कंटिन्यूसली चलाते हुए पकाएंगे, क्योंकि हमारी क्वांटिटी ज्यादा है, तो इसे हाई फ्लेम पे पकाएंगे तो ये हमारी आंवला कैंडी झटपट से बनके रेडी हो जाएगी। तो इसे कंटिन्यूसली चलाते रहना है, चीनी का पानी रेड्यूस हो जाए तब तक इसे हमें पकाना है। तकरीबन 15 से 20 मिनट लगेंगे ये प्रोसेस होने में, तो हाई फ्लेम पे 15 से 20 मिनट इसे कंटिन्यूसली चलाते हुए हम पकाएंगे। यहाँ पे 15 मिनट हो चुके हैं और ये जो मिक्सचर है उसका कलर भी चेंज हो चुका है और थोड़ा सा गाढ़ा भी हो गया है। और अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे कॉर्नफ्लोर, तो इसे कॉर्नस्टार्च भी कहते हैं। यहाँ पे मैंने 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है और 3 चम्मच पानी ऐड किया है। ज्यादा पानी ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि ज्यादा पानी ऐड करेंगे तो हमें इसे ज्यादा चलाना पड़ेगा, और इसे ऐड करके हमें तुरंत चलाना होगा, वरना इसके अंदर लम्स भी पड़ सकते हैं। तो इस तरह इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी प्रॉपर मिक्स हो चुका है, तो इसके अंदर मैंने ऐड किया है 2 चम्मच अदरक का रस और 3 चम्मच नींबू का रस। इससे ये कैंडी का टेस्ट बहुत ही बढ़ जाएगा और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगी। और अब इन सबको भी अच्छे से मिक्स कर लेना है। और अब इसके अंदर ऐड करूंगी मैं घी। घी यहाँ पे मैंने 1.5 छोटे चम्मच लिया है। अगर आपको घी का टेस्ट ज्यादा पसंद है तो आप ज्यादा भी ऐड कर सकते हो, लेकिन 1.5 चम्मच इनफ है। और अब इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये कैंडी बनाने में थोड़ी सी मेहनत लगेगी, क्योंकि इसे हमें कंटिन्यूसली चलाना है, लेकिन मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है, तो ये कैंडी भी आपको जरूर पसंद आएगी। और अब यहाँ पे मैंने ऐड किया है 1 ड्रॉप ग्रीन फूड कलर। ये टोटली ऑप्शनल है, आप इसे स्किप भी कर सकते हो, लेकिन बच्चों को देखने में अच्छा लगे इसीलिए मैंने इसके अंदर 1 ड्रॉप फूड कलर ऐड किया है। और अब इसको मिक्स करते हुए हमें तकरीबन 20 से 25 मिनट हो चुके हैं, और ये देखिए हमारा मिक्सचर एकदम रेडी है। तो इतना गाढ़ा होने तक हमें उसे पकाना है। और अब गैस की फ्लेम मैंने बंद कर ली है। यहाँ पे मैंने ले लिया 1 थाली और उसके ऊपर मैंने रख दिया है बटर पेपर और उसे घी से थोड़ा सा ग्रीस कर लिया है, ताकि चिपकने का बिल्कुल भी चांस ना रहे। और अब इस मिक्सचर को हम इसके अंदर ट्रांसफर कर लेंगे। सारे मिक्सचर को इसके अंदर डाल के उसे अच्छे से फैला लेना है। अगर आपको पतली कैंडी चाहिए तो बड़ी सी परात में आप इसको फैला सकते हो, और अगर मोटी कैंडी चाहिए तो इस तरह की थाली भी चलेगी। तो यहाँ पे मैंने सारे मिक्सचर को इसके अंदर ट्रांसफर कर लिया है, और ये स्पैचुला के अंदर भी जो मिक्सचर चिपका हुआ है वो सारा हम निकाल लेंगे, हम कुछ भी वेस्ट नहीं करेंगे। और अब ये स्पैचुला की हेल्प से इसे हमें फैला लेना है। तो इस तरह पूरी थाली में हम ये मिक्सचर को फैला लेंगे। अगर स्पैचुला के ऊपर ये मिक्सचर चिपक रहा है तो स्पैचुला के ऊपर थोड़ा सा घी लगा लीजिए, बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा और ये मिक्सचर अच्छे से स्प्रेड हो जाएगा। इसे मैंने 1 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रख दिया था, तो 1 घंटे में अच्छे से ठंडा हो गया है।
अब इस कैंडी के ऊपर लगाने के लिए एक मिक्सचर रेडी कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 से 4 चम्मच पीसी हुई चीनी ली है। जो चीनी हमने बचा के रखी थी वो ही मैंने पीस ली है। और अब इस कैंडी को और चटपटा बनाने के लिए मैंने इसके अंदर ऐड किया है लाल मिर्च पाउडर और चाट मसाला का मिक्स। तो लाल मिर्च पाउडर और चाट मसाला दोनों मैंने 1-1 चम्मच लिए थे और उनको मिक्स कर लिया था। और इसके अंदर मैंने 1.5 चम्मच जितना वो मसाला ऐड किया है। और अब इस कैंडी को हम कट कर लेंगे। तो आप देख सकते हो कि इजीली ये कट हो रही है और अच्छे से पीसीस में कट हो रही है। इसके अंदर हमने कॉर्नफ्लोर ऐड किया था, इसकी वजह से इसका टेक्सचर बहुत बढ़िया आया है और ये कैंडी हमारी बहुत ही बढ़िया बनी है। तो इस तरह से हमें इसे कट कर लेना है। अगर कट करते हुए चाकू के ऊपर ये मिक्सचर चिपके तो चाकू को ये जो पीसी हुई चीनी वाला मिक्सचर था उसमें कोट करके भी आप कट कर सकते हो या फिर घी लगा के भी उसे कट कर सकते हो। तो इस तरह ये चाकू के ऊपर बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा और ये कैंडी हमारी अच्छे से कट हो जाएगी। तो ये देखिए, एक कैंडी मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ कितनी परफेक्ट बनी है। देखने में ही कितनी बढ़िया लग रही है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी है। तो इस तरह सारे पीसेस हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने सारे पीसेस कट कर लिए हैं। अगर आपको छोटे पीसेस पसंद है तो आप छोटे पीसेस में भी इसे कट कर सकते हो। और अब जो हमने चाट मसाला और पीसी हुई चीनी वाला मिक्सचर बनाया था उसके अंदर इसे अच्छे से कोट कर लेंगे। तो ये देखिए, इस तरह उसे कोट कर लेना है। इस तरह कोट करने से ये एकदम नॉन स्टिकी हो जाएगी, बिल्कुल भी हाथों में नहीं चिपकेगी। तो ये आप देख सकते हो कि कितनी बढ़िया हमारी कैंडी बनके रेडी है। अब मार्केट से कैंडी लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि घर में ही इतनी आसानी से हम ये कैंडी बना सकते हैं। तो आप भी ये रेसिपी जरूर ट्राई करना और हाँ, कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए फटाफट से सारी कैंडी हम रेडी कर लेते हैं। तो ये देखिए, सारी कैंडीज मैंने रेडी कर ली है। देखने में बहुत ही बढ़िया लग रही है। लगता नहीं है मेरे घर में 1 महीने तक ये कैंडी चलेगी, इससे पहले ही खत्म हो जाने वाली है। चलिए इसे बीच में से कट करके देखते हैं कि कैसी बनी है। तो आप देख सकते हो कि बहुत ही मॉइस्ट बनी है हमारी कैंडी, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है और एकदम सॉफ्ट भी नहीं है। परफेक्ट इसका टेक्सचर आया है और खाने में बहुत ही टेस्टी है। तो चलिए अब इसे भर देते हैं एक एयरटाइट कंटेनर में। इसे आप प्लास्टिक या फिर कांच के कंटेनर में भर सकते हो। तो आपको आज की रेसिपी पसंद आई तो प्लीज लाइक कीजिए एंड चैनल पे नए तो सब्सक्राइब। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। जय श्री कृष्ण।